यहाँ पर नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए सीएम। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। बीजेपी और जेजेपी का आज ही टूटा है गठबंधन और इसी के साथ हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी। कौन है नायब सिंह सैनी? इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र से अभी सांसद हैं नायब सिंह सैनी। ओबीसी वर्ग से आते हैं नायब सिंह सैनी। 1996 से शुरू किया था सियासी करियर। और इसी के साथ आपको बता दें कि 2002 में युवा मोर्चा बीजेपी अंबाला से जिला महामंत्री रहे। 2005 में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर रहे और 2009 में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री बने। 2012 में भारतीय जनता पार्टी से वो जिलाध्यक्ष रहे। 2014 में नायब नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने और 2015 की अगर बात कर ली जाए तो 2015 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2019 में कुरुक्षेत्र सांसद बने, कुरुक्षेत्र से सांसद बने। तो देखिए अभी रिसेंटली वो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। अब वो हरियाणा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद पर आसीन है और अब उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए जो है आ चुका है। तो अब नए सीएम होंगे हरियाणा के नायब सिंह सैनी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ देखिए आज ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा है और ऐसे में अभी जो हाल फिलहाल की स्थिति है, देखिए जेजेपी भी जो है अपना बैठक जेजेपी की भी चल रही है। दुष्यंत चौटाला के आवास पर ये बैठक चल रही है और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में 5 से 6 या 7 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं जो इस वक्त बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर 11वें मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी और आज एक बड़ा सियासी हलचल, एक बड़ी सियासी हलचल हरियाणा में देखने को मिली जहां पर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। यानी कि अब दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के डेप्टी सीएम थे वो अब इस गठबंधन से अलग हो चुके हैं और आज जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उस जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यानी कि नायब सिंह सैनी शाम 5 बजे शपथ ले सकता है। और इसी के साथ जो जानकारी और सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। देखिए 2 डिप्टी सीएम की बात की जा रही है कि हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम होंगे और इसी के साथ अब नायब सिंह सैनी की अगर बात कर ली जाए, आखिर कौन है नायब सिंह सैनी? देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद है और इसी के साथ ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी भी बताए जाते हैं नायब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और 2014 में नारायण सिंह सैनी नारायणगढ़ से, आपको बता दें ये विधानसभा से रहे थे और 2015 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2019 में कुरुक्षेत्र में सांसद ये बने और अब वो हरियाणा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के पद पर भी आसीन है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, यानी 11वें मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। और चलिए तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ईशा ठाकुर इस वक्त राजभवन से हमारे साथ लाइव बनी हुई है। ईशा, सबसे पहले क्या हलचल यहां पर है, तस्वीरों के साथ बताइए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा देते हैं हरियाणा राजभवन के बाहर की ओर। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल तेज है। जैसे ही नायब सिंह सैनी का नाम विधायक दल की बैठक में तय किया गया कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाता है और इसका मतलब है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। उसके साथ ही देखिए उनके समर्थक भी अब राजभवन पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन राजभवन के भीतर बीजेपी के जो विधायक हैं या निर्दलीय विधायक वही अंदर गए हैं और मनोहर लाल खट्टर भी। इसके अलावा जो समर्थक हैं उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो समर्थक हैं वो जुटने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, क्योंकि वो मौजूदा हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कुरुक्षेत्र के लोग से लोकसभा सांसद भी हैं। कुछ समय पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था और ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष पद से हटाया गया था। हालांकि ओपी धनखड़ की अगर बात करें तो उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, उसके बाद नायब सिंह सैनी जो कि मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी माने जाते हैं, दोनों ही ने ही मिलकर काम किया है। नायब सिंह सैनी को जब प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था उस दौरान मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये कहा गया था कि उन दोनों का आपस में पुराना नाता रहा है, आरएसएस से जुड़े हैं नायब सिंह सैनी, और ऐसे में एक बड़ा पद यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उन्हें दिया गया है। लेकिन इससे पहले देखिए जिस तरीके से अटकलें ये भी तेज थी कि हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजे गए थे अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर पहले ही नाम बता दिया था कि नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया जाएगा। विधायक दल की बैठक औपचारिक तौर पर की गई और वहाँ पर नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है और थोड़ी ही देर में देखिए दावा पेश किया जा चुका है अंदर सरकार बनाने का, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। और समर्थक दोबारा से हम आपको तस्वीरें साझा कर देते हैं, यहाँ पर समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं, लेकिन राजभवन के बाहर इन्हें रोका गया है। भीतर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं, उनकी तरफ से अंदर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है और इंतजार किया जा रहा है कि क्या 5 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा या उससे पहले ही यहां पर शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन एक बड़ा उलटफेर हरियाणा की राजनीति में, लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता 15 तारीख के बाद कभी भी लग सकती है, लेकिन बड़ा दाव यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा है। अगर यहां पर देखिए ये भी समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही रहते तो दुष्यंत चौटाला को एक मैसेज जाता कि उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने के लिए और गठबंधन तोड़ने के लिए ही ये जो चाल है भारतीय जनता पार्टी ने रची थी। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज ये भी दिया गया है कि मुख्यमंत्री को ही वो बदलना चाहते थे इसलिए इस्तीफा मुख्यमंत्री से दिलाया। मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो समूचा मंत्रिमंडल का इस्तीफा मान लिया जाता है। आप राजभवन से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं, जैसे ही कोई हलचल यहां पर होती है तुरंत हमें अपडेट दीजिएगा, आपका रुख मैं करूंगी। लेकिन इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अजय जी। अजय जी देखिए बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो आज टूट गया है, लेकिन अब इसी बीच जो बड़ी खबर है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सर? बिल्कुल, आज बड़ा अप्रत्याशित तौर से सुबह से एकदम से शुरू हुई हैं गतिविधियां। वैसे तो कल शाम से ही शुरू हो चुकी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मनोहर लाल जी मेरे पुराने साथी हैं, तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा था कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनकी विदाई तय है, बड़े सम्मान पूर्वक विदाई करना चाह रहे थे। बिल्कुल, तो और ये बात पिछले 1-1.5 महीने से आरएसएस के यहाँ चर्चा में थी कि मनोहर लाल जी को करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा और उनको जहां किसी और को मुख्यमंत्री। हाँ, इतना जरूर है कि नायब सैनी जी का नाम तब चर्चा में नहीं था, पहले भूपेंद्र यादव जी का नाम आ रहा था। तो नायब सैनी जी का नाम अचानक आने का मतलब ये है कि नायब सैनी जी एक तो बैकवर्ड चेहरा भारतीय जनता पार्टी सामने लाना चाह रही थी, क्योंकि किसान नाराज होने के कारण उनको जाट वर्ग में भी नाराजगी है, पिछले दिनों दुष्यंत का अलग होना, विजेंद्र का अलग होना, तो ऐसे में जो उसके बाद वोट बैंक है हरियाणा में, बैकवर्ड वोट बैंक की बहुत बड़ी संख्या है, तो उसको भी साधना है बीजेपी ने। और तीसरा ये है कि नायब सैनी की जो खुद की इमेज है, हाँ, वे सबको साथ लेके चलते हैं और बड़ा एक पोलाइट से नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का उनके अलावा कोई लंबा चौड़ा और विकल्प भी नहीं बचा था। बिल्कुल, चलिए अब ईशा वही बात कर ली जाए, देखिए आज जेजेपी का भी जो है, ईशा आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है ईशा, आपके पास मैं वापस लौटू। चलिए ठीक है ईशा, वही बात कर ली जाए, कोई अपडेट आपके पास मिल रही है, आपको कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए यहां पर नायब सिंह सैनी की तरफ से ट्वीट किया गया है, आपको हाँ। पहले तस्वीरें यहां पर दिखा देते हैं, वही तस्वीर उन्होंने साझा की है जब विधायक दल का नेता यहां पर उन्हें चुना गया, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और नायब सिंह सैनी को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को आप देख सकते हैं जो गुलदस्ता यहाँ पर दे रहे हैं, और इन तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। इसी के साथ साथ सभी विधायकों का भी आभार व्यक्त करते नजर आए हैं नायब सिंह सैनी। भीतर दावा पेश कर दिया गया है सरकार बनाने का और थोड़ी ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन बड़ा दाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने खेल लिया है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान जेजेपी को जरूर होगा, क्योंकि जेजेपी की कुल सीटें अगर हम बताएं तो 10 सीटें वो जीत के आए थे और 10 में से 3 ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं जेजेपी से और बीजेपी के संपर्क में हैं, तो ये जो गठबंधन भी टूटा है इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर
मनोहरलाल खट्टर रहे। प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं अब नाखुश भी नजर आ रही थी मनोहरलाल खट्टर से। हाँ। और हो सकता है कि इसी के चलते ही यहाँ पर बड़ा दाव खेला गया है, लेकिन आरएसएस के साथ यहाँ पर मनोहरलाल खट्टर काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते कल इसका जिक्र किया है कि मनोहरलाल खट्टर के साथ उनका जो रिश्ता है काफी पुराना है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र में उन्हें कोई बड़ा कद दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के बाद ये भी नजरें अब टिकी रहेगी कि क्या करनाल से लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं मोदी वेव इस बार भी देखने को मिल रहा है। कर ली जाए अगर बात कर ली जाए, देखिए सबसे पहले तो क्या अपडेट मिल पा रहा है कि कब तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि दो डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। क्या अगर दो डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो क्या उनका शपथ ग्रहण समारोह भी आज किया जाएगा? ईशा देखिए अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 5 मंत्री यहाँ पर शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री समेत। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या डिप्टी सीएम का पद भी यहाँ पर किसी को दिया जाएगा और शपथ भी यहाँ पर दिलाई जाएगी। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री और 5 मंत्री यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। 4 बजे के बाद शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होगा, लेकिन ये जरूर जानकारी मिल पाई है कि दावा यहाँ पर पेश कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने का और हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी जी। ठीक है शव, वापस आपका मैं रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले अजय मल्होत्रा जी का मैं एक बार रुक करूंगी। अजय जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए अनिल विज को लेकर अगर बात कर ली जाए तो अनिल विज अब काफी नाराज से नजर आ रहे, कुछ हटके वो नजर आ रहे, नाराज से नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व उन्हें मना पाएगा? हाँ, ये बात ठीक है कि अनिल विज कहीं ना कहीं अप्रत्याशित तौर पर बाहर निकले थे मीटिंग से। हाँ। तो उनकी कहीं नाराजगी दिखाई दी है। या तो ये हो सकता है कि अनिल विज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात चल रही होगी तो अनिल विज का नंबर नहीं पड़ा और इस कारण वो थोड़े से नाराज दिखाई दिए हैं, क्योंकि वह सीनियर मोस्ट विधायक है इस समय भारतीय जनता पार्टी के। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराजगी थी और ये एक तरह से भाव भी खाने वाली बात है और प्रेशर भी बनाना चाहते थे भाजपा नेतृत्व पे। अब भाजपा नेतृत्व ने यह फैसला नायब सैनी को सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि भाई उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुछ इसका फायदा उठाना है, आगे आने वाले वो एक मौके की तलाश में थे। कई समय से कई मुद्दों पर लेकर मनोहर लाल जी से कई नाराजगियां थी कई प्रकार की और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। अगर इन्हें लोकसभा के बाद हटाया जाता तो ये हो जाता कि अब फायदा क्या है हटाने का। तो भाजपा ने इन्हें पहले ही हटाकर ये स्पष्ट किया है कि लोग उनके जो लीडर्स भी उसके इनके खिलाफ थे, अलग अलग खेमे बटे हुए थे, जहां इंद्रजीत खिलाफ थे, दूसरी तरफ और भी अन्य नेता जाट नेता भी खिलाफ थे। तो वो चाहते थे कि अब नया चेहरा ले आए और विधानसभा में भी फिर नए चेहरे के साथ आगे बढ़े। तो इस पूरी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये गेम खेला है आज। बिल्कुल अजय जी, वहीं बात कर ली जाए, देखिए जेजेपी की भी जो है बैठक चल रही है इस वक्त, दुष्यंत चौटाला के घर में जेजेपी की बैठक चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 से 6-7 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी के संपर्क में बताया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं जेजे से? देखो इसमें कोई वो नहीं है, जेजेपी के तो 6 में 10 में से टोटल आप ये मान के चलो कि 7 या 6 विधायक तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो अपनी तरफ ला सकती है। लेकिन अभी उन्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, उनके पास निर्दलियों का समर्थन है और अपने खुद के 41 उनके एमएलए हैं। बिल्कुल। और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो उनका समर्थन ले लेंगे, परंतु इस वक्त किसी समर्थन की उन्हें जरूरत नहीं है और वो अपने दम पे सरकार बनाएंगे। क्योंकि अगर आप उनके एमएलए को भी साथ लेते हो तो आपको किस किस को आप मंत्रिमंडल में एडजस्ट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो धीरे धीरे ठीक है, उनको अपने साइकोलॉजिकली प्रेशर रहेगा जेजेपी पे और जेजेपी पे आगे भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा के कैंडिडेट खड़े करेंगी उसी हिसाब से जेजेपी से भी चाहेगी कि उनसे टैली करते हुए कैंडिडेट खड़े करें, क्योंकि जेजेपी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। जेजेपी अब प्रेशर में है और वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उनको लोकसभा के कैंडिडेट भी देने पड़ेंगे, जिसका फायदा भाजपा को चुनाव में होगा। हाँ, और ताकि कांग्रेस को नुकसान हो सके। चलिए ठीक है, ईशा वही अगर बात कर ली जाए, देखिए जेजेपी की अगर बैठक को, सबसे पहले कोई अपडेट अगर आपके पास है तो प्लीज अपडेट हम तक पहुंचाएं। और इसी के साथ जेजेपी की बैठक को लेकर अगर बात कर ली जाए, देखिए ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 विधायक जो है इस वक्त जेजेपी की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं और बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, क्या इसे लेकर कोई अपडेट आपको मिल पाई है ईशा?
जी बिल्कुल, देखिए जेजेपी के विधायकों की अगर बात करें वो भी कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला से नाराज चल रहे थे। हाँ। और उनके पास भी ये मौका था कि दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा था, 10 सीटें वो जीते थे, लेकिन अब क्योंकि जो जाट समुदाय है वो नाराज भी चल रहा था कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर लिया। ऐसे में उन विधायकों को ये जरूर नजर आ रहा था कि अगर वो जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि 6 से 7 विधायक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। कुछ विधायक चंडीगढ़ में हरियाणा निवास भी पहुंचे और विधायक दल की बैठक में भी पहुंचे और उनका कहना है कि हमारा समर्थन पूरी तरीके से हरियाणा की बीजेपी सरकार के साथ है। तो ऐसे में हलचल यहां पर आप देख सकते हैं, समर्थक यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, बाहर इन्हें रोका गया है और इंतजार किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। दावा यहां पर पेश कर दिया गया है सरकार बनाने का और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो आज पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ है यह जरूर कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी को हुआ है। जी बिल्कुल अजय जी, वहीं बात कर ली जाए। देखिए बीजेपी से सांसद बृजेंद्र सिंह जो है उन्होंने भी जो है बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूद से हम निकले, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने दुष्यंत जी ने पहले एक ट्वीट किया था तो अब बाद में वीरेंद्र सिंह जी का मौका था उसका जवाब देने का, क्योंकि उस वक्त उन्होंने उनके ऊपर ट्वीट किए थे। तो आज उन्होंने कहा है कि बड़े क्योंकि वो पहले से ही कह देते कि दुष्यंत चौटाला चिपके हुए हैं भाजपा से, क्योंकि भाजपा तो पिछले 1-1.5 महीने से ये स्पष्ट कह रही थी, भाजपा का सारा हरियाणा का नेतृत्व ये स्पष्ट कह रहा था कि हम लोकसभा चुनाव 10 सीटों पर कमल पे लड़ेंगे और कमल खिलेगा। और लेकिन दुष्यंत बार बार कह रहे थे कि गठबंधन में लड़ेंगे, उन्हें कल तक भी उम्मीद थी। कल वो शाम को जब नड्डा साहब से मिलके निकले हैं तो उनकी उम्मीद टूट चुकी थी तब। तो अब वीरेंद्र सिंह जी का मौका था उनके खिलाफ ट्वीट करने का, उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। अब आखिर चलिए ठीक है ईशा, वही बात कर लीजिए। देखिए अनिल विज भी काफी नाराज चल रहे हैं, इसे लेकर कोई अपडेट मिल पा रही है ईशा? अजय जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, वापस आपका रूप में करूंगी, लेकिन उसकी हाँ, भी लगती है कि विधायक दल की बैठक एक तरफ चल रही थी। बिल्कुल, देखिए अनिल विज की नाराजगी इससे भी झलकती है क्योंकि 2014 में जब देखा गया था तो भी उन्हें लग रहा था कि हो सकता है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा नहीं हुआ। 2019 में भी ऐसा नहीं हुआ, आज उनका नाम जरूर चल रहा था कि अनिल विज को भी हो सकता है मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया जाए। और जब यहाँ पर पहुंचे थे इस्तीफा देने के लिए पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ मनोहर लाल खट्टर, और उस दौरान अनिल विज उनकी गाड़ी में ही थे, लेकिन जब बैठक हुई संजय भाटिया जो कि करनाल से सांसद हैं बीजेपी के, उनका नाम भी चल रहा था कि हो सकता है उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, और अनिल विज दोनों ही बाहर निकलते हैं और नाराजगी यहां पर अनिल विज की सामने आती है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी जानकारी आप जो ऑब्जर्वर दिल्ली से नियुक्त किए गए हैं उनसे जानिए। इससे स्पष्ट हो चुका था कि कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज चल रहे हैं क्योंकि पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 2014 में अगर बीजेपी को किसी ने संभाला तो वो अनिल विज हैं, गृह मंत्री हैं हरियाणा के। राम राजेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राजेश शर्मा जी, देखिए आज आपका गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और नए सीएम का ऐलान भी कर दिया गया है, नायब सिंह सैनी नए सीएम होंगे, क्या कहेंगे? जी जी ऐसा है, बहुत ही युवा है और संगठन कौशल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि युवाओं में 36 बरादरी में एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। और माननीय मनोहर लाल जी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा और सबने इनका समर्थन किया, सारे विधायकगण ने और निर्दलीय विधायकों ने सबने इनके नाम पर मोहर लगाई है। मैं समझता हूँ युवाओं में भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और 36 बरादरी में जो हरियाणा की देवतुल्य जनता उनका इनको आशीर्वाद मिलेगा, बहुत ही ऊर्जावान है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है ये। जी रामराजी शर्मा जी, वही बात कर ली जाए अनिल विज की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि वो भी अभी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, नाराज चल रहे हैं क्योंकि देखिए वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और सही को सही गलत को गलत कहना उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व के सामने कहें, लेकिन इस वक्त वो नाराज चल रहे हैं, कैसे मनाएगा आपका शीर्ष नेतृत्व उन्हें? देखो नाराजगी की बात ये आप ही बता रहे हैं, मैं हरियाणा निवास में उस टाइम पे था जब वो हमने भी उनको राम राम किया, वो कहीं नाराज नहीं है, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नायब सैनी जी उनको मिलेगा। और मैं समझता हूँ
बहुत ही मिलनसार है वो, और पार्टी के हमारे बहुत सीनियर मोस्ट नेता हैं, उनकी कहीं भी नाराजगी नहीं है। बीजेपी एक परिवार है, वो हमारे परिवार के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसा नहीं है नाराज नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राम राजेश शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम चर्चा आपने हमें हमारे साथ की। और इसी के साथ कांग्रेस से प्रवक्ता केवल डिंगरा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है केवल डिंगरा जी। केवल जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आज गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का टूट गया है, नए सीएम का ऐलान हो गया है, नायब सिंह सैनी अब नए सीएम होंगे, और उसी बीच अनिल विज भी इस वक्त बीजेपी जो है काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभी एक नाराज नहीं, कई नाराज और भी हैं। हाँ, क्योंकि जो कभी एमएलए बने ही नहीं, पहले एक बार सीपीएस नारायणगढ़ से बने थे, अभी वो एमपी हैं, उनको सीधा सीएम बना दिया गया, और कई सीनियर एमएलए जो छह छह बार के, चार चार बार के, तीन तीन बार के हैं, उनको साइडलाइन किया गया। तो वो कई लोग नाराज हैं, सीनियर नेता बहुत सारे नाराज हैं, राव इंद्रजीत हैं, कितने सीनियर व्यक्ति हैं, वो उनके मन में होगी बात, कईयों के मन में होगी अभी बात, वो धीरे धीरे निकल करके आएगी बाहर। इनके बहुत सारे गुट हैं जो गुट नाराज हैं, आपको बताइए, राव इंद्रजीत अलग गुट है, अनिल विज अलग गुट है, अरविंद शर्मा अलग गुट है, इसी तरीके से इनके अलग अलग जो गुट हैं वो सभी नाराज हैं। वो नाराजगी जो स्वाभाविक भी है कि आप किसी भी आदमी को कैसे भी किस तरीके से, पहली बार एमएलए बने थे खट्टर साहब, उनको पहली बार में सीएम बना दिया गया, जबकि एक्सपीरियंस का मीन कोई मतलब नहीं है, इस पार्टी में कोई मतलब नहीं है किसी का भी, जो हाईकमान सोच लेती है वही काम कर देती है। तो इनमें आपस में बहुत ज्यादा अभी तंज है, वो कसे जाएंगे, और अभी शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया केवल डिंगरा जी, अजय मल्होत्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। और इसी के साथ ईशा बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और राजभवन में इस वक्त आप मौजूद हैं, जैसे यहां पर कोई हलचल हो तुरंत अपडेट आप हमें दें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।